welcome you in the house of the Lord once again this evening. एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं खुदावन के घर में. पवित्र कलाम की ओर ध्यान करते हैं. We will pay attention to the word of God. मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब, जिसे कूच की किताब और खरूच की किताब कहते हैं. पुराने नियम की दूसरी किताब है, उसका 19 अध्याय निकाल लीजिएगा. Please open with me to the book of Exodus in your Bible and let's go to chapter 19. The book of Exodus is the second book in the Bible right after Genesis. We in chapter 19 today. Exodus या खरूच या कूच की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति से लेकर कुछ आयतों की ओर ध्यान करेंगे. We going to pay attention to Exodus chapter 19 verse 10 onwards. ये बिल्कुल उस समय की बात है जब प्रभु ये खुदावन ने पूरे इसराइल को 10 हुक्म देने का वक्त था. This is right about that time when God was going to give the 10 commandments to the people of Israel. 20वें अध्याय में खुदावन 10 हुक्म जो हैं इसराइल को देते हैं. In fact, in chapter 20 of Exodus, God gives the 10 commandments to the people of Israel. 19 अध्याय में खुदावन जो हैं इसराइल से बातचीत करते हैं मूसा के थ्रू से. And in chapter 19, God speaks to the nation of Israel through the man Moses. 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में खुदावन मूसा के थ्रू से कहते हैं. In chapter 19, verse 10, God speaks through Moses, and this is what God says. कहते हैं कि go unto the people. जाओ लोगों के पास. और उन्हें कल और परसों sanctify करने के लिए, पवित्र पाक होने के लिए कहो. And consecrate them today and tomorrow. उनको कहें कि वो पवित्र हो जाएं. Tell them to be holy. And wash their clothes. और अपने वस्त्रों को धोएं. कल और परसों का दो दिन है. थर्ड डे में खुदावन से मुलाकात करने वाले हैं. द नेक्स्ट टू डेज, दैट्स टुमारो एंड द डे आफ्टर, आर द डेज ऑफ कंसेक्रेशन एंड प्रेपरेशन, बिकॉज ऑन द थर्ड डे गॉड इज गोना मीट विद देम. उनको कहे हैं कि जाके अपने आप को पाक कर लें, पवित्र कर लें खुदावन. सो गॉड टेल्स द पीपल, गो एंड कंसेक्रेट योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ प्योर एंड होली. अपने वस्त्रों को, अपने लिबास को पाक कर लें, पवित्र कर लें. Make your clothes, your garments pure and holy. खुदावन से मुलाकात करना है तो पाकीजगी, पवित्रताई जो है, sanctification बहुत important है. If we want to come close to God, we need to be people who are pure and holy. खुदावन से रूबरू बात करने वाले हैं अभी. God is going to speak to them face to face. खुदा से मुलाकात होने वाली है. God, they're going to meet with God. There's going to be an encounter. एक दो दिन के बाद उन सब की मुलाकात खुदावन से होगी. In a couple of days, after 2 days, they're going to meet God. All of them will meet God. और खुदावन कहते हैं पवित्र हो जो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. And God says, be consecrated and be holy because I am holy. खुदा ने हुक्म दिया था ओल्ड टेस्टमेंट में कि पाक हो जाओ क्योंकि मैं पाक हूँ. In the Old Testament, God gave this commandment, be holy for I, your God, am holy. तो पवित्रता की प्रिपरेशन का टाइम दिया गया है. And that's why there's been given some time to be consecrated and prepared. शुद्ध होने के लिए वक्त दिया गया है. To be purified, some time has been granted. अपने लिबास का मायना है अपनी जिंदगी को साफ कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें. So when scripture talks about the garments or clothing, it talks about your life, to make your life and living holy. अपना चाल चलन, अपनी जिंदगी, अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको पाक साफ शुद्ध कर लिया जाए. To make your lifestyle holy, the life that you live every day, to make it pure before God. 11वीं आयत में लिखा है and then be ready. In the 11th verse it is written, फिर तैयार हो जाओ. पाक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, sanctify हो जाएं और उसके साथ साथ तैयार हो जाएं. First get consecrated, become holy, be purified and then be prepared, become ready. तैयार रहिएगा. It means be ready. आगे जाके लिखा है क्योंकि जब खुदावन की आगमन होगी वहां पर, जो पहाड़ के ऊपर, सियोन पर्वत के ऊपर, तो खुदावन की ओर से एक नरसिंगा फूका जाएगा. Because it says further, if you read that when the Lord comes upon, when he comes down upon Mount Zion, a trumpet will be blown unto God. पर उससे पहले उनको कहा है कि तुम तैयार रहना है. But before that, the people have been told to be ready. ऐसा नहीं लगता कि खुदावन यीशु मसीह ने सेम हुक्म हमें दिए हैं? Does it not seem that Jesus has given the same instructions to us? मैं जल्द आ रहा हूँ. That I'm going to come back soon. तुम तैयार हो जो. That you need to be ready. एक क्षण में ही आग के झपटते हुए ही नरसिंगा फूका जाएगा. In a moment, in the blinking of an eye, the trumpet call will be sounded. जब तुरही फूकी जाएगी उसी समय जो है खुदावन के साथ जो उठा लिया जाना होगा. And as the trumpet is blown, in that very moment you will be taken up with God.
God. जो तैयार हैं वो उसी क्षण उठा लिए जाएंगे. Those who are ready will be lifted up that very moment. जिन्होंने अपनी जिंदगी को पाक साफ शुद्ध किया है वो तैयारी में है. Those who have purified their lives are those people who are ready. They have made preparation. बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो खुदावन ने मूसा को दिया है उस जगह पे. This is a very important role, a portion that God has given to Moses in this place. जो मैं 12वीं आयत में पढ़ने वाला हूं आप सब के लिए. And I'm going to read that from verse 12 for all of you. 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है. And this is what it says in verse 12. सियोन पर्वत पर मैं तुम्हें मिलने वाला हूं. I'm going to meet with you on Mount Zion. पर तुम उस सियोन के चारों तरफ जो हैं उस पहाड़ के चारों तरफ बाउंड्रीज हदों को जो कहें उसकी निशानियां लगा लो. But put limits, put markers for the people that they would not cross onto the mountain. Set the boundaries around that place. कि उसके चारों ओर तुम सीमाओं को लगाओ और निशानियों को लगाओ. खुदा ने नई बाउंड्री बनाई है. God did not make the boundary. उसने ये काम गुस्सा को दिया है. God gave the work to Moses. तुम्हें जो हिकमत दी है, नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, अब जो है तुम जानते हो और तुम उसकी हदों को बनाओ. God says to Moses, I've given you wisdom and understanding and knowledge. Now according to all of that, you mark the boundaries and the limits. 12 आय से लेकर आप पढ़िए, लिखा है कि खुदा ने कहा, set the boundaries. If you read from verse 12 onwards, God says that सीमाओं को बनाओ, वहां पर निशानियों को लगाओ. आज की शाम हम इसी बात पर तवज्जा करने वाले हैं कि खुदावन के लिए जो है बाउंड्रीज बनाना है अपने खानदान और अपनी खुद की जिंदगी के लिए. And tonight we're going to focus on that very scripture, that very concept from the Bible, which says for us and our families, for our lives, we will set godly boundaries. क्या लिखा है कि तुम उस हदों को बना लो. It says set those limits. अगर जब तुरही फूकी जाएगी. And when the trumpet is sounded. अगर उस सरहद या उस सीमा के आसपास कोई भी होगा. Then anybody who is close to that boundary, that limit, अगर वो हद के अंदर ना होगा, if he is not within that limit, तो वो मारा जाएगा. He will be put to death. अगर कोई उस निशान के ऊपर भी होगा, if someone is even standing on that limit, on the boundary line, अगर उसका एक पांव इधर है, एक पांव उधर है, तब भी वो जो है खतरे की लाइन में है. If their one foot is on the boundary line and the other foot is within the camp, they will still be put to death. तुम अपने और अपने पूरे इसराइल की कम्युनिटी के लिए boundaries बना लो, सरहद बना लो. He says to Moses, for yourself and the whole community of Israel, make a boundary and set limits all around. तुरही एकदम से फूंकी जाएगी. Because the trumpet will be sounded all of a sudden. उस समय वक्त नहीं होगा. And you won't have time at that time. किसी के पास कुछ तैयारी करने का वक्त नहीं है. Nobody will have the opportunity to make preparation at that moment. दौड़ने का वक्त नहीं है. They will not have time to run away. भागा दौड़ी करने का वक्त नहीं है. There will be no time to run and come in. जैसे तुरही फूंकी जाएगी. As the trumpet is sounded. खुदावन सियोन पहाड़ पर आएगा. God will come upon Zion. वहाँ पर बादल छा जाएंगे. There'll be a cloud of His glory. बिजली के मानद गर्जन होंगी वहाँ पर. There's gonna be lightning and thunder. खुदावन रूबरू से बातचीत करेंगे. And God is gonna speak to them face to face. और उस क्षण में. And in that moment. अगर कुछ कोई हद के अंदर ना हो. If someone is not found within the limits. That person will lose his or her life. उस आदमी का की मृत्यु हो जाएगी, उसे मार दिया जाएगा. हद बहुत important है. Limits are very important. ये काम मूसा को दिया गया. This is the work God gave to Moses. Setting the boundaries. कि वो सीमाओं को, हदों को लगाए. उस हदों को, उस जो निशानियों को जो है डिमार्क करना, उसमें निशान लगाना बहुत important है. To make those limits, to mark out the boundary is very important. बहुत important है कि वो जो है वहां पर fences लगाई जाएं, edges बनाए जाएं, ताकि पता चल जाए कौन अंदर के हैं और कौन बाहर के हैं. It is very important to construct fences and hedges on the boundary line so that it is evident and clear as to who is outside and who is within. अब मूसा के ऊपर है कि वो निशानी लगाते हैं. Now it's up to Moses whether he just makes a mark. या उस पर fences लगाते हैं. Or he constructs fences. या उसमें बाड़ लगाते हैं. Or he makes a fence, a boundary all around. या कितना ऊंचा उसे करते हैं. How high he makes it. ये मूसा के ऊपर तय कर दिया गया है. All this has been given to Moses for his discretion. पर boundary set करना जो है important है खुदावन के लिए. But for God, in God's eyes, setting boundaries is very important. ताकि जो अंदर वाले और बाहर वालों के बीच में बंटवारा हो. So that there is a separation, a division between
between those who are within and those who are outside. आगे पता चले कि ये खुदावन के हैं और दूसरे खुदावन के नहीं हैं. So that it would be evident that these people belong to God and those outside do not. आगे कुछ फर्क पता चले कि ये ईमान रखने वाले हैं और ये भी ईमान रखने वाले नहीं हैं. So that you could even say it in these words that the people within are people of faith and those outside are without faith. आगे पता चल जाए कि ये लोग जो हैं तैयार हैं और दूसरे तैयार नहीं हैं. So that it would be known that these people are ready and those outside are not. जब तक बाउंड्री नहीं होगी, as long as there are no limitations and boundaries, कोई हद नहीं होगी, if there is no demarcation, कोई सीमा नहीं है, if there is no boundary limit, तो कोई पता नहीं है, then you don't understand the difference. कौन खुदा का है, कौन खुदा का नहीं है. You never figure out who belongs to God and who does not. कौन ईमान रखता है, कौन ईमान नहीं रखता. Who has faith and who does not have faith. तब पता नहीं चलता कि हम ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं हैं. It is difficult to figure out and discern whether one is a believer or an unbeliever. अगर आप पदाइश की किताब में पढ़ते हैं, if you read the book of Genesis, जब खुदा ने रोशनी को बनाया, लाइट को बनाया, when God created light, तो उसने कहा बहुत अच्छा है ये. God said it is good. खुदावन को रोशनी बहुत अच्छी लगी. God looked at light and he was very happy with it. पहला अध्याय उसकी 4 आयत पदाइश की किताब में कहा है कि खुदावन ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया. And it says in chapter 1 of Genesis verse 4 that God separated the light from darkness. खुदावन ने चाहा कि वो सेपरेट किए जाएं, डिवाइड किए जाएं, उसमें सीमा बनाई जाए. God desired that there be a separation, a division, a boundary between light and dark. ताकि mixing ना हो. So that there's no amalgamation and mixing. ताकि जो है मिलावट ना की जाए. So that there is no amalgamation and mixing. ताकि पता चले कौन रोशनी के हैं और कौन अंधेरे के हैं. So that it would be evident about who belongs to the light and who belongs in darkness. खुदावन बंटवारा चाहते हैं. God desires division. आपको पता खुदावन यीशु मसीह लूका की इंजील में कहते हैं. You know Jesus says in the gospel of Luke. तुम्हें नहीं पता मैं तो इस दुनिया में बंटवारा करने आया हूं, मेल करने के लिए नहीं. Do you not know that I have come into this world to cause division and not bring about union? खुदावन नहीं चाहता कि मिक्सिंग हो. God does not desire mixing. खुदावन इंसाफ करने वाले खुदावन है. God is a God of justice. Would you say amen? Amen. खुदावन बंटवारा करने के लिए आए हैं. God has come to divide and separate. भेड़ और बकरी अलग करी जाएगी. He is going to separate the goats from the sheep. रोशनी और अंधेरा अलग किया जाएगा. Darkness and light is going to get separated. आज के सिस्टम इस प्रकार से सिखाया जाता है. In today's system and present world view, this is what is taught. One world system. There is a one world system. सब दुनिया एक है. हम एक जैसे हैं. Everyone is the same. सब एक ईमान रखने वाले. Everyone has the same सब faith. सब एक ही जगह पर जाएंगे. Everyone is going to the same place. सब लोग अपने आप को मिक्सिंग करो. And everyone, come on, mix up together. थोड़ा सा ये लो. Take some from थोड़ा here. थोड़ा सा ये वो लो. Take something else from there. Something from the other place. सबको खुश करो. Make everyone happy. खुदा खुश हो या ना हो. And it does not matter whether God is pleased or one not. One world system. ये एक दुनिया का एक सिस्टम बन गया है, एक तरीका बन गया है. वेस्टर्न वर्ल्ड लगा पड़ा है वन वर्ल्ड सिस्टम बनाने के लिए. द होल वेस्टर्न वर्ल्ड इज डिजायरिंग टू मेक अ वन वर्ल्ड सिस्टम. तमाम मजहबों को मिक्स किया जा रहा है. दे आर मिक्सिंग डिफरेंट फेथ्स. फिलॉसफीज को मिक्स किया जा रहा है. दे आर मिक्सिंग डिफरेंट फिलॉसफीज. हर शख्स को खुश करने की कोशिश की जा रही है. दे ट्राई टू प्लीज एवरी पर्सन. बंटवारा नहीं. दे नॉट ट्राइंग टू डिवाइड. डिफरेंशिएशन नहीं. नो डिफरेंशिएशन, नो डिसर्निंग. हद नहीं है. There is no limit. खुदावन चाहता है. But God desires it. हदें बनाई जाएं. God wants boundaries. हमें खुदावन ने इसलिए ईमान में लाया है ताकि हम अपने लिए और अपने खानदान के लिए हद बनाएं. The reason God has brought us into faith is so that we would set boundaries and limits for ourselves and our household. खुदावन नहीं चाहता रोशनी और अंधेरा मिक्स करे. God does not desire that light and darkness be mixed. दूसरा करिंथियन 6 है उसकी 17 आयत में लिखा है. Second Corinthians chapter 6 verse 17 says. दूसरा करिंथियन 6 की 17 लिख लीजिए. अगर पढ़ना है तो पढ़ लें आप अपने बाइबल में. You can write it down if you want to read it in your Bible. You can read it. It's 2 Corinthians chapter 6 verse 17. इसलिए तुम उनमें से बाहर आ जाओ. Therefore, you come out from them. कुछ भी अशुद्ध को छूना नहीं. Do not touch anything that is unholy. तब मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा. Then I will receive you. तुम उनसे अलग हो जाओ. You separate yourself from them. उनसे अपने आप को जुदा कर लो, फर्क कर लो. Separate yourself, become different from them. तुम इस दुनिया के नहीं हो. You're not of this world. तुम दुनिया में रहते हो. You live in the world. पर दुनिया के नहीं हो. But you do not belong to the world. पॉलस कहते हैं इस दुनिया में हम जो हैं मुसाफिर हैं. Paul says we are just passengers. We are traveling. On this earth, set apart yourself from the world. वो कहता है दुनिया से अपने आप को अलग कर लो. Would you say amen? Amen. खुदावन मिक्सिंग नहीं चाहते हैं. God does not desire mixing. कुछ तो बाउंड्री सेट करनी है. You need to set up some boundaries and limits. अपने खानदान की, अपने परिवार की.
for yourself, for your family and your household, apne khud ki zindagi ke liye, for your personal life, ye acha nahi lagta hai duniya ko, the world does not like this, aap fark nazar aayenge, you look different, sab log khush nahi honge aapse, people not gonna be all pleased with you, aur aapko boundary set karni hai, but you need to set boundaries, kahin to aapko seema tay karni hai ki ye had hai, isse bahar nahi hum jaate hain, somewhere you need to set a limit and say this is a limit, I'm not gonna cross over, ye mera area hai, uske bahar nahi hum jaate hain, this is my area, I'm gonna stay within it, world ke log jayenge, the people of the world will cross, dusre teesre jayenge, the other people from here and there will go, aur hum nahi jayenge, but you and I, we will not go, hamari had ye hai, this is our limit, क्यों हमने ये किया है? Why have we done this? क्योंकि जब तुरही फूंकी जाएगी, so that when the trumpet is sounded, हम सेफ साइड में रहना चाहते हैं. We will be on the safe side. हम अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं. We want to be in the good place. हम नाश नहीं चाहते हैं. We do not want to be destroyed. इसलिए हम उस जगह में रहे, चाहे थोड़ी हो, चाहे सकरी हो, चाहे कम हो, पर हम उस सेफ जगह में रहेंगे. And that is why we need to remain in that place, even though it's narrow, even though it's difficult, we need to be in the safe place. क्योंकि उस समय तैयारी करने का वक्त नहीं है. Because at that time there will be no opportunity जब to make preparation. जाएगा, you know, that when the trumpet is called, एक झपकते ही सारा काम हो जाएगा. In the blinking of an eye, everything will be established. In a fraction of a moment, everything will be decided. एक क्षण में सब कुछ का न्याय हो जाएगा. जो हद के इस पार हैं उठा लिए जाएंगे, जो उस पार हैं नहीं उठा लिए जाएंगे. Those who are within the boundaries will be lifted up. Those who are outside will be left behind. ये बात इस्राएलियों को जो हमारे लिए सीख के लिए सुधार के लिए बताई गई है. This thing was told to the Israelites and is being told to us so that we would learn and correct our lives. Yes, down the road people will do that. आगे चल के लोग ऐसा करेंगे. फलाना फलाना ऐसा करेगा. So and so will do it. पर हमारी हद ये है. But this is our limit. हमारी खुद की morality की. For our own morality. हमारे values ऐसे हैं. For our values, this is what we stand for. हमारे खानदान के ऐसे हैं. This is who we are. हमारी दुआ का तरीका ऐसा है. दुआ का, प्रार्थना का, दिस इज हाउ वी प्रे. हम उसके बाहर नहीं जाएंगे. वी डोंट क्रॉस दैट लिमिट. आपको एक बाउंड्री सेट करनी है. यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज. देखिए, याद रखें, सबको बाउंड्री पसंद नहीं आएगी. प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट एवरीवन विल बी प्लीज अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज. दूसरे लोग क्या सोचें, पर आप अपनी जिंदगी के खुद जो हैं जिम्मेदार हैं. यू नीड टू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, बिकॉज़ यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन लाइफ. आप और आपका खानदान जो है खुदा में महफूज रहें, सुरक्षित रहें, ये आपका पर्सनल जिम्मेदारी बनती है. यू एंड योर हाउस होल्ड, योर फैमिली, रिमेन इन गॉड एंड बी सिक्योर इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस दिन खुदा ने मूसा को कहा, That day God told Moses, ये पूरी कम्युनिटी की सेफ्टी तेरे हाथ में है. The safety of the whole community is in your hands. तुम उसके चारों तरफ सीमा लगा दो. You set up the limits all around. तुम वहां पर हदों को बना दो. You set those boundaries. जब हद के अंदर लोग रहेंगे, and people as long as they live within the limits, तो वो सेफ रहेंगे. They will be safe. कठिन तो है. It is difficult. सकरा रहना. To stay in a narrow place, to live in a limited space, to live within limitations. तमाम हर limitation में, confinement में रहना मुश्किल होता है. It is difficult to live in limitations and confinement. पर वो safe है. But that's a safe place. उसमें जिंदगी है. In that is life. उसमें अनंतता है. In that is eternity. उसमें खुदा के साथ तैयारी है. In that is preparation with God. लोग कहेंगे ये सकरी सोच के लोग हैं. पीपल विल से यू आर नैरो माइंडेड. आप बड़े सुपर स्पिरिचुअल हैं. दैट यू आर हाइपर स्पिरिचुअल. आप बहुत बनते हैं. दैट यू थिंक नो एंड ऑफ योरसेल्फ. अपने आप को बड़े प्रॉफिट समझते हैं. यू थिंक यू आर अ ग्रेट प्रॉफिट. अपने आप को पादरी समझते हैं. यू थिंक यू आर अ पास्टर. अपने आप को ये सोचते हैं. यू थिंक सो एंड सो अबाउट योरसेल्फ. आत्मिक समझते हैं. यू थिंक यू आर सो स्पिरिचुअल. तमाम बातों का सामना करना पड़ेगा. यू विल हैव टू फेस ऑल दिस काइंड ऑफ टॉक. अपने लिए खुद जो है उस बाउंड्री को बना लेना है. बट यू फॉर योरसेल्फ नीड टू सेट अप दोस लिमिट्स एंड बाउंड्रीज. यस, फलाना फलाना पी लेता है, इट्स ओके. यू नो, यस, इट्स ट्रू. सो एंड सो गोज अराउंड स्मोकिंग, दैट्स फाइन. फलाना गुटखा खाता है. सो एंड सो टेक्स टबैको, दैट्स फाइन. आप कहें मेरी सीमा ये है. बट यू नीड टू से दिस इज माय लिमिट. फलाना वो करता है. सो एंड सो डज दैट. फलाना क्रिश्चियन ये करता है. दैट क्रिश्चियन डज दिस. उस चर्च के ये करते हैं. दे डू इट. पीपल फ्रॉम दैट चर्च. उस डिनोमिनेशन के ये करते हैं. दैट डिनोमिनेशन डज सो. आपको उसको उसको नहीं देखना है. यू डोंट नीड टू लुक हियर, देयर एंड एवरीवेयर. मैं और मेरा खानदान, हम खुदा की सेवा करेंगे. As for me and my house, we will serve the Lord. मेरे को उसको उसको नहीं देखना है. I'm not going to look at what others are doing. ना दूसरों को जज करना है. And I'm not going to judge others. ना उन पर उंगली उठाना है. We're not going to point fingers at others. पर मुझे ये काम करना है. I'm going to talk about myself. This is what I need to do. ये मेरी बाउंड्री है. This is my boundary. मैं इसे बाहर नहीं जाना है. I'm not going to step outside of it. मुझे पता कोई
इसको पसंद करे ना करे, whether others like it or not, कोई मुझे इनवाइट करे या ना करे, whether people invite me or not, किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, whether people like it or not, I'm going to set the boundary. मैं सीमाओं को हदों को तय करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए ये बाउंड्री तय करूंगा. For my children, I'll set up boundaries. Yes, फलाने फलाने के बच्चे ये करते हैं. Yes, people, the children of other homes do such and such. उनके बच्चे ये भी कर लेते हैं. Their children do all that उनके thing. बच्चे वो भी कर लेते हैं. Their children do everything. उनके बच्चे उधर भी चले जाते हैं. Their children go there. उनके बच्चे ये भी खा लेते हैं. Their children eat all that. उनके बच्चे यो भी कर लेते हैं. Their children do all this work. आपको फलाने फलाने उनके सिन के बच्चों को नहीं देखना है. You don't need to look at so and so and their neighbor and everybody else. आपको अपने बच्चे देखना है. You need to look at your own kids. बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं. Because your children have been given to you by God. आप घर के मूसा आप हैं. You are the Moses of your own family. आपके घर की बाउंड्री आपके हाथ में है. Because the boundaries of your house are in your hands. उसके चारों तरफ बाड़ लगाना आपको काम दिया गया है. You need to build a fence around it. That's God's given work for you. पड़ोसी के बच्चों को नहीं देखना. Not to look at the neighbor's kids. पड़ोसी की बीवी को नहीं देखना. Don't need to look at the neighbor's wife. उनके किसी चीज को नहीं देखना है. Don't need to look at anything that belongs to your neighbor. अपने सामान का इंतजाम किया जाए. You need to look after what is your possession. अपने परिवार का इंतजाम किया जाए. You need to look after your own family. Yes, मुश्किल होता है. I know it's difficult. बच्चे पसंद नहीं करते हैं. And children don't like it. आप घर के लोग पसंद नहीं करते हैं. People in our family get upset. They will hate you. वो आपसे घृणा करेंगे. पसंद नहीं करेंगे. नफरत करेंगे आपसे. जब आप पाबंदियां लगाते हैं, आपको बहुत hate मिलती है. When you set up boundaries, people hate you. पाबंदियां अच्छी नहीं लगती हैं. Nobody likes limits. आप जब पाबंदियां सेट करते हैं, but when you set up limits, people don't like you. People hate it. लोग आपसे नफरत करते हैं. खानदान के लोग भी नहीं पसंद करते हैं. Your own family members hate it. मूसा पर लोगों को गुस्सा आता था. You know, people used to get upset with Moses. पकड़ो इसको, इसको पत्थरवा करते हैं. They said, "Come on, let's catch Moses and stone him to death." Again and again, उसको पत्थरवा करने की योजना बनाई जाती थी. बार-बार they used to try to stone Moses to death. पर अगर आप बंदियों में रहते हैं, but if you live within limits, आप अपने आप को बचाते हैं, you save yourself, अपने बच्चों को बचाते हैं, you save your children, अपने खानदान को बचाते हैं, you save your whole household, अपनी कलीसिया को बचाते हैं, you save your church. पर अगर आपने खुला कर सब कुछ छोड़ दिया, but if you open up everything and let it be loose, कोई हद नहीं है, and there is no limit, then कोई बाउंड्री नहीं है, there are no boundaries, सब कुछ चल रहा है, and all is going on, everything is permitted, किया जा रहा है, everything is being engaged in. होता क्या है? What happens? इतना नाश होता है जब आप सोचते हैं कि सुधारें, तब सुधार का वक्त ही नहीं रहता. The destruction then is so great that when you try to fix it, there is no way to fix it. खुदा ने मूसा को कहा, God told Moses, मैं मिलने वाला हूं परसों आप लोगों को. Day after tomorrow, I'm going to meet with you all. तब तक पवित्र हो लो. You have time until then to make yourself holy. लिबास को पवित्र कर लो. Make your garments consecrated. अपनी जिंदगी को पाक कर लो. Consecrate your life. पर रेडी रहना है. But we need to be prepared. हद के अंदर रहना है. Stay within the limits. अगर हद के अंदर रहोगे, if you live within the limits, तो फिर बच जाओगे. Then you'll be safe. फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा. Then God will speak to you. हिब्रू की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 17 आयत में खुदावन कहते हैं, 13:17, this is what God says. जो आप पर शासन करते हैं उनकी आज्ञा मानो. Obey them that have rule over you. Submit to them. उनके प्रति समर्पित रहो. Submit yourselves. जो आपके रूहों की परवाह करते हैं. Those who watch over your souls. क्योंकि उनको सब बात का हिसाब देना पड़ता है. Because they must give an account. अगर आप समर्पित करते हैं, if you submit, तो उनके लिए एक काम आनंद में होगा, अच्छी तरह कर पाएंगे. Then it will be a joyful work for them. उनके लिए मुश्किल नहीं होगी. It won't be difficult. तीन तरह की वैल्यूज होती हैं जो जो हदों की होती हैं. You know the value there are three kinds of values of setting limits. और जो हदें बनानी है वो हमारे खुद पर है ये. And the limits we set, the boundaries we set are for ourselves. पहली हद जो है वो पर्सनल है, निजी आप बनाते हैं. The first limit or boundary you set is for yourself, it's personal. ये आप डिसाइड करते हैं. You decide. आप कहते हैं खुद अपने लिए. You say for yourself, मैं नहीं करूंगा. I'm not going to do that. आप उसके लिए किसी की एग्जाम्पल नहीं यूज करेंगे. You don't use somebody else's example for आप that. किसी का सहारा नहीं ले उस बात के लिए. You don't depend on somebody else for no, it. वो आपका पर्सनल निजी चॉइस है. That is your personal value system. जैसे जोशुआ कहते हैं अपने खानदान के लिए. As Joshua says for him and his family. जोशुआ 24:15 में कहते,
आप लोग मानो ना मानो, आप खुदा के पीछे चलो ना चलो, पर मैं और मेरा खानदान हम खुदा की सेवा करेंगे। In Joshua 24:15, this is what Joshua says, whether you all agree with it or not, whether you all do as we do or not, as for me and my house, we will serve the Lord. वो पर्सनल अपने खानदान का जो है वो हदें बना रहा है वो। Because he is setting up personal boundaries for his household. इस्राएलियों से बात हो रही है। He's speaking to the Israelites. बोले आप अपने खानदान की खुद आप बनाओ। He says, "You look after your own household and make your own limits. आप खुद करो। You need to make your own values. मैं और मेरे परिवार का ये फैसला है। But we and my family, me and my family, we have decided this. आपने समर्पण करना है, आपका पर्सनल है। You need to come and surrender for yourself. It is personal. कितनी सेवा करनी है वो आपका पर्सनल चॉइस है। How much ministry you want to do is your personal choice. कितना काम करना है खुदावन के लिए वो आपकी पर्सनल चॉइस है। How much work you do for God is up to you. कितनी दुआ करनी, कितनी बाइबल पढ़नी, किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ये आपका पर्सनल है, आपने हद बनानी है ये। How much you're gonna pray? How much you're gonna read the Bible? It's not a competition with somebody else. It is up to you. It's your own decision. ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। It's not so that you can lord it over other people. आप 5 मिनट करते हो, हम 10 मिनट करते हैं। Oh, you do just do it for 5 minutes. We do it for 10. आप 1 घंटा करते हो, हम 3-3 घंटा करते हैं। You do it for 1 hour. We do it for 3-3 hours. ये किसी के साथ competition नहीं है। It's not a competition with anybody. ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। This is not a competition. ये आपका personal है। This is your personal life. Joshua कहते हैं। Joshua says, मेरा और मेरे खानदान का ये फैसला है। This is the decision of me and my family. मैं और मेरे बच्चे, me and my children, मेरी wife, my wife, हम खुदा की सेवा करेंगे। We will serve the Lord. ये personal है ये बिल्कुल। This is a personal boundary. किसी पर थोपना नहीं है। Nobody can lord it over you or force you. किसी को बार-बार इसके बारे में बता के तंग नहीं करना है। You don't need to go around irritating others about it. किसी और को बताकर उनको नीचा नहीं करना है। You don't need to tell others so that they feel bad and inferior. आपने खुद अपने खानदान के लिए सेट करना है। You need to set it for yourself and your family. आप चर्च पर मत छोड़ें। And don't leave that up to church. पासवान पर मत छोड़ें। Don't leave it up to pastor. आप संडे स्कूल पर मत छोड़ें। Don't leave it on to the Sunday school teachers. School or university college पर मत छोड़ें। Don't leave it up to the colleges and schools. No, ये आपका और आपके पर्सनल आपकी फैमिली का है। नहीं, this is your own responsibility. It's for you and your family. ये हद आपने तय करनी है। You need to set that boundary. Yes, ये हम और हमारे बच्चों का ये है। That this is what me and my children do.